मेरी प्यारी साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। जैसा कि YouTube पर मेरा अकाउंट है ममता की माँ नाम से और Facebook पेज पर मैं कुसुम शाह नाम से आती हूँ, तो Facebook पेज पर जहाँ मैं कुसुम शाह नाम से आती हूँ, वहाँ एक उभरता हुआ कलाकार है तरुण शर्मा। तरुण शर्मा के आर्टिकल बड़े बेजोड़ लाजवाब होते हैं, इनकी लेखनी बहुत सुंदर लिखती है, तो इन्होंने अपना एक आर्टिकल भेजा है, कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप रिश्ते। देखो कितना बढ़िया टॉपिक उठाया है, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्ते क्या और कैसे होते हैं। लाइक कमेंट से शुरू होते हैं, बिना दिखे बिना देखे बिना मिले ही बन जाते हैं, कोई खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक रिश्ता बन जाता है, आपस में एक अजीब सा जुड़ाव हो जाता है जो खून के रिश्ते से बढ़कर हो जाते हैं हमारे लिए। यहाँ हम एक दूसरे की से रूठते भी हैं, यहाँ हम एक दूसरे से रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, और एक रूठ जाए तो दूसरे का हाल बुरा हो जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब किसी के भी रिश्तेदार नहीं, फेसबुक पेज हो चाहे यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सएप हो, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी के रिश्तेदार नहीं, किसी को देखा नहीं, किसी से मिले भी नहीं, शायद तमाम उम्र देखे भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं, फिर भी यहाँ एक अटूट रिश्ता बांध लिया जाता है जिसमें आपसी प्यार है, हंसी मजाक है, रूठना है तो मनाना भी है, जन्मदिन भी मुबारक है, और बीमार हो जाए तो दुआएं भी हैं, किसी के शहर जाओ तो उससे मिलने की आस है, तो कोई मदद करने के लिए तत्पर है, कोई दीदी बन जाती है तो कोई माँ बन जाती है, तो कोई सखी बन जाती है, तो कोई आजीवन दोस्त बन जाते हैं, तो कोई हमारे लिए न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ ऐसा ही होता है व्हाट्सएप का रिश्ता, कुछ ऐसा ही होता है व्हाट्सएप ग्रुप का रिश्ता। तो जैसा कि इन्होंने अपनी कविता में लिखा व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्ते, यही हाल फेसबुक पर भी है, यूट्यूब में भी है। आस पास से पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था ममता की माँ नाम से, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले मतलब हमारा अभिन्न अंग बन गए, बहुत सारे नाम हैं उनकी अभी भी मुझे बहुत याद आती है, अभिषेक है, निशा है, और जनेशी महाराष्ट्र की है, यश बलिया के, प्रखर राज कानपुर से जो कि दिल की गहराइयों में समाते चले गए, नीलू गुप्ता नाम की बच्ची है, हमने कभी देखा नहीं लेकिन फेसबुक पेज पर ही बातचीत होती है, यूट्यूब पर बातचीत होती है, वो हमें माँ जी कहने लगी, हमने भी उसे अपनी बहू मान लिया, और जब कमेंट नहीं आता तो दिल बेचैन हो जाता है, यानी क्या हो गया, यश का कमेंट नहीं आ रहा, नीलू क्यों नहीं कमेंट कर रही, अभिषेक पता नहीं कहाँ चला गया, अभिषेक की बहन निशा थी पता नहीं उसकी शादी हो गई, उसने तो कोई समाचार ही नहीं दिया, उसकी बड़ी दीदी का नाम रश्मि, रश्मि का ना यानी क्या हाल है, उसके दीदी जी अमित हमेशा लिखते थे कि माँ जी आपकी चर्चा हमेशा मेरे घर में होती, जब हम सब फ्री बैठते तो आप ही की बातें होती रहती, तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं, मिले भी नहीं, लेकिन सबके बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया जिसका कोई जवाब नहीं। अब तरुण शर्मा का आर्टिकल लिया तो सोचती हूँ मैं यानी किसका आर्टिकल लिया था, ये तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, दिनेश सिंह काराकोटी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम तारा चंद हैं जो कि इतना बेपना प्यार देते हैं, इतना बेपना मोहब्बत देते हैं कि मैं तो यही कहूंगी, बिना मोल के मैं बिकी बिना दाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तुम सबके नाम की, तो सबसे इतना अधिक प्यार हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इनकी जो कविता है कि व्हाट्सएप ग्रुप, भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई सबको टाटा बाय बाय।